नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज के समय में पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें से जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण में से वो है प्लास्टिक प्रदूषण की। ज़्यादा कुछ भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधे आपकी मुलाकात समीरा जी से करवाना चाहता हूँ। समीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट। थैंक यू। पर्यावरण पोस्ट के सभी लिसनर्स फॉलोअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, एंड थैंक यू कि आप ये इतना, जिसे कहते हैं कि हॉट टॉपिक है आज के डेट में, इसको कवर करने आए हैं। चाहे मैं समझती हूँ कि पर्यावरण को लेकर कुछ कम लोग जागरूक हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो जागरूक हैं वो पूरी तरह से जागरूक हैं, और वो जी जान से कोशिश करते हैं कि हम इस बात को आम लोगों तक पहुँचा पाएँ कि कितनी ज़रूरी बात हो गई है हमारे लिए। तो आप सभी जानते या समीरा जी से परिचित होंगे, नहीं होंगे तो भी मैं आपको बता दूं कि समीरा जी प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दे रही हैं। योगदान छोटा हो बड़ा हो ये अलग बात है, लेकिन योगदान दे रही हैं और बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। कैसे जागरूक कर रही हैं ये आप खुद उनसे जानेंगे। समीरा जी क्रॉकरी बैंक चलाती हैं, जिसमें ये भंडारे के लिए या अन्य जगहों पे जहाँ पे खाने पीने की सामग्री यूज होती है, वहाँ पे जो प्लास्टिक के बर्तन यूज किए जाते हैं सिंगल यूज वाले, उनकी जगह पे स्टील के बर्तन आप देती हैं। तो कैसे शुरुआत हुई इसके? शुरुआत तो ऐसा था कि हम सभी अक्सर ये देखते हैं, आपने देखा होगा कभी हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो मंदिरों के बाहर, पार्क्स के बाहर, यहाँ तक कि रोड साइड पे भी भंडारे हो रहे होते हैं, क्योंकि हम एक हिंदू धर्म को वो करते हैं और हमेशा भंडारे करना हमारे धर्म में माना जाता है कि गरीबों को खाना खिलाना, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि उस पुण्य को कमाने के चक्कर में हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं ताक पे रख देते हैं। तो अक्सर मैं से देखा करती थी कि भंडारा हो गया है, लेकिन जो प्लास्टिक की स्टायरोफोम की जो प्लेट्स होती हैं वो वहाँ बिखरी रहती थी। ना सिर्फ बिखरी रहती थी बल्कि उड़ उड़ के रास्ते में जो ड्रेन्स होते हैं उनको चोक कर देती हैं, और यहाँ तक कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, तालाब होती हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो हर जगह प्लास्टिक पाएंगे। हमारी जो बाहर डॉग्स होते हैं या बेचारी गाय जिनको कि हम गौ माता मानते हैं, वो बेचारी खा के इसको मर रही हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती थी। और एक सबसे बड़ी बात और भी जो मैं बताना चाहती हूँ, जो शायद कम लोग जानते हैं, कि जो स्टायरोफोम की प्लेट्स होती हैं स्टायरीन नाम के केमिकल से बनी होती हैं, और स्टायरीन जो है अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कैंसरस केमिकल होता है, और आप जैसे ही इसमें गर्म खाना सर्व करते हैं ये 30% ज़्यादा स्पीड से उसके अंदर मिक्स हो जाता है, गर्म खाना जैसे आप सर्व करते हैं। तो जब मैं भंडारे होते देखती थी तो मुझे सबसे पहले तो ये थॉट आती थी कि अपना पुण्य तो कमा लिया, लेकिन उस गरीब को आपने साथ में बीमारी जो सौंप दी उसका क्या होगा, वो तो जानता भी नहीं है कि इसके साथ कैंसर खा रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेट्स की तरह से जी रहे हैं। तो ये सब बातें थोड़ा परेशान करती थी और मैं लोगों को समझाने की कोशिश करती थी। तो एक जो कॉमन लोगों के पास से आता था सवाल कि फिर क्या यूज़ करें, जो कि सही भी है कि क्या यूज़ करें। सो एक दिन मैंने सोचा ठीक है मार्केट जाके पता करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, एंड बहुत ही सरप्राइजिंगली या बल्कि शॉकिंग बात यह है कि मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हर जगह आपको स्टायरोफोम की प्लेट्स ही मिलती हैं, पुराने पत्तल जो हम अपने टाइम में यूज़ किया करते थे वो ख़त्म हो चुके थे, उनके कोई डीलर ही नहीं है। सो जब मैंने लोगों से पूछना शुरू किया वो पत्तल तो हंसने लगे कि मैडम आप कब किस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सिर्फ अवेयरनेस करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो मुझे करना ही है। और क्योंकि मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती हूँ, गुरुद्वारे को बिलीव करती हूँ, तो गुरुद्वारों में हमने हमेशा स्टील की प्लेट्स ही देखी हैं। लेकिन यही होता है कि गुरुद्वारे में आप जाएँ तो उनके यहाँ भी भंडारा होता है, कई बार प्लेट्स नहीं मिल पाती और हर कोई पहुँच नहीं पाता वहाँ तक। आप तो मुझे लगा कि ये काम मैं अपने घर से शुरू कर देती हूँ। तो आपने शुरू किया और ये कहते हैं ना कारवां बनता चला गया, और एक आज कितनी संख्या में लोग जुट चुके होंगे आपके साथ? संख्या लोगों की बात करूं तो बहुत सारे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉकरी बैंक शुरू कर लिया, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि क्रॉकरी बैंक को यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्रॉकरी बैंक के आइडिया को शेयर करते हैं। सो उस तरह से तो कितने ही लोग जुड़ गए, है ना? आपके जैसे लोग जो कि आके इसको कवर करते हैं वो भी तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसके बारे में, वो थॉट को जानते हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए। और अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो जो कोरोना के टाइम को थोड़ा हम छोड़ दें, तो यहाँ तक कि कोरोना में भी यूज़ होते रहे बर्तन, तो 4 लाख सिंगल यूज़ आइटम्स हम अब तक बचा पाए हैं। ये 4 लाख का आंकड़ा जो होता है बहुत बड़ा है,
4 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बचाना समीरा जी के द्वारा। सिर्फ मेरा नहीं, ये बाकी और जो साथ में टीम्स जुड़ी, मैं उन सबका टोटल वो बता रही हूँ। सिर्फ अपने मेरे एफर्ट्स नहीं हैं, उन सबके एफर्ट्स हैं और मुझसे ज़्यादा उनके एफर्ट्स हैं, जो कि ये इतनी मेहनत करते हैं कि बर्तन लेके जाएं और फिर उनको धोएं और उनको वापस करें। देखिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन अगर आप उसको मुहैया करवा रही हैं तो सामने वाले की कुछ तो जिम्मेदारी है, लेकिन वो लेते हैं और उसको बड़े प्यार से पूरा करते हैं और फिर आके अपनी जब फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि इतना अच्छा लगा कि कोई कूड़ा नहीं हुआ। सच में ये बात अच्छी बात लगती है कि आप एक भंडारा कर रहे हैं, वहाँ भगवान का आह्वान करते हैं और उसके बाद उस जगह पर आप उस कूड़े को छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचिए कि आप भगवान को क्या इज्जत दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप। कूड़ा नहीं होता, ये खुशी है। और ऐसा कूड़ा नहीं होता जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा कूड़ा पैदा नहीं होता। तो तामसिक कूड़ा माना जाता है, ये तो तामसिक है। तामसिक बर्तन में आप सात्विक खाना परोस के और फिर तो समझ नहीं आई बात कहीं। तो समीरा जी, अब तक आपके जो पूरे ब्रांचेस हैं लगभग कितने खुल चुके होंगे आपके सहयोग से, या लोगों ने आपको कांटेक्ट किया होगा कि हम भी करना चाहते हैं या हमने आपको सपोर्ट करना है, कैसे आगे? हाँ, जब लोग शुरू में सुनते थे इसके बारे में तो बहुत सरप्राइज होते थे कि, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज होते थे कि फ्री में मिलता है। ये तो कई लोग तो सिर्फ पूछते ही थे कि मैडम सच में आप फ्री में ही देती हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल फ्री में ही है, आप सिर्फ लेके जाएं, यूज़ करें, वॉश करके वापस कर दें, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो कोई खो जाएगा बर्तन उसका हम ज़रूर ले लेंगे, लेकिन आपको यूज़ करने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो उनको अच्छा लगता था। फिर कुछ लोग बोलते थे कि हम डोनेट करना चाहते हैं। सो मेरा सबको यही सजेशन होता था कि प्लीज़ अगर आप ये करना चाहते हैं तो अपने लेवल पर क्रॉकरी बैंक शुरू कर दें, 50-60 बर्तनों से करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें लगता था कि अच्छा हम भी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते, मेरा आइडिया नहीं है। सिर्फ उनको लगता था आपका आइडिया है तो आप, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगता था नहीं, ये तो पर्यावरण का आइडिया है, इसको तो कोई भी कर सकता है, कोई कॉपीराइट है ही नहीं, मैं इसे अपना मानती ही नहीं हूँ, ये मेरा है ही नहीं। तो ऐसे करके अब 30 लोग हैं जो कि ऑफिशियल ब्रांचेज हैं। बहुत सब लोगों ने सुन के पढ़ के भी कर दिया, उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं। बहुत सारी RWs ऐसी हैं सोसाइटीज़ में जिन्होंने अपने लेवल पे कर लिया कि वो सबको नहीं देते हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी में सिर्फ उन्हीं का क्रॉकरी बैंक यूज़ होता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। बहुत सारे योगा ग्रुप्स हैं, बहुत सारी किटी पार्टी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सत्संग के ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने अपने बर्तन इस मुहिम के बाद से ले लिए और अपने अपने क्रॉकरी बैंक बना लिए, उनका डाटा। मैं अभी कुछ दिन पहले आपको बताऊं कि किसान आंदोलन में गया था, जो अभी चल रहा है, कौन सा बॉर्डर, MG रोड पे, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मुझे वो पुराने ज़माने वाली पत्तल दिखी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब से आया। उन्होंने वहाँ पे भी पूरी तरह से जो है एनवायरनमेंट का ध्यान रखा गया है कहीं ना कहीं, कि पुराने पत्तल को ढूंढ रहे हैं, ले आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हमारा जो है बहुत कम हो जाता है। आज के समय में प्लास्टिक वाला जो है ये गाँव तक फैल गया है, बहुत बुरा। और गाँव में तो जो वेडिंग पार्टी होती है या जो भी कुछ होता है उसमें तो कितनी बड़ी संख्या में प्लास्टिक निकलते हैं। तो इसका लोगों को अभी तक इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। और आप मानेंगे नहीं कि पानी एक बहुत बड़ी समस्या आगे फ्यूचर में हमारे सामने आने वाली है, उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं प्लास्टिक है, क्योंकि हमने धरती के ऊपर इसकी पूरी लेयर बिछा दी है। धरती में, ज़मीन में पानी नहीं जाने पा रहा है क्योंकि हमने उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया है। आप ये सोचे ज़मीन में पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, कैसे? मेरा एक सवाल ये था कि ये आप शहरों में ये बहुत सक्सेस हो रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है जहाँ पे, जहाँ के लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है प्लास्टिक को लेकर, हमारे गाँव की हालत जहाँ पे बड़ी आबादी भी रहती है, वहाँ तक ये कैसे पहुँचाया जा सकता है? आप ही के थ्रू, सच बता रही हूँ, मैं नहीं जा सकती वहाँ। कितने गाँव तक मैं जा पाऊँगी? ये आप ही लोगों का काम है। मीडिया को अपनी पावर समझनी पड़ेगी कि कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं उनके बारे में कम बात की जाए, और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वो पहुंचाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मीडिया का ही ये रोल है, और मीडिया को ही मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना हो सके इनको गाँव तक पहुँचाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे लोगों को ढूँढने की कोशिश करें जो थोड़ा पैसा स्पेंड कर सकते हैं। हर सिटी में, हर गाँव में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास थोड़ा पैसा होता है, या फिर वो थोड़ा सोशल वर्क करना चाहता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी ही आप
वो कर सकते हैं, उनको टैप कर सकते हैं कि वो अपने लेवल पे इसकी मुहिम की शुरुआत करें? बिकॉज ये तो हमारे पीएम ने ही इसकी शुरुआत कराई है कि भी हमें प्लास्टिक फ्री बनाना है, तो क्यों नहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके साथ जुड़ें? यहाँ तक तो करना चाहिए कि सांसद विधायक जो भी होते हैं उनको भी अपने इलाके में बिल्कुल करना चाहिए। देखा जाए तो ये सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है, है ना? लेकिन चलिए, जिम्मेदारी उनके पास और भी बहुत हैं देश की कोई या वर्कर को दे दिया जाए, मुझे लगता है हम मिलजुल के ये कर सकते हैं। हम ये करते ही थे पहले, ये बड़ी बात नहीं है, हम हमेशा से ही ऐसे थे, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमने देखा हुआ है, ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या चीज़ आ गई। हम मिलजुल के काम कर रहा तो हमारे पुरानी पद्धति रही है कि जब किसी घर पे कोई कार्यक्रम होता तो गांव घर से बर्तन इकट्ठे हो इकट्ठे, वही तो है ये कॉन्सेप्ट, तभी तो मैं बोल रही हूँ मेरा कुछ नहीं है ये तरीका पुराना ही है। पुराना है बिल्कुल, मैं कभी कहती नहीं कि ये आइडिया मेरा है, थोड़ा सा इसको लाने का श्रेय तो आपको ही जा रहा है कि आपने इसको दोबारा से शुरुआत करा। ये कह सकते हैं कि उसकी जिसे कहते हैं री एंट्री, है ना, री एंट्री कह दें, या फिर एक थोड़ा नए जिंक के साथ किया कि कुछ पैसा नहीं देना है बिल्कुल भी, नहीं तो मंदिरों से लाते थे तो पर्ची कटवानी पड़ती है, इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। तो पर्यावरण को बचाने की दिशा में आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि प्लास्टिक जो है हमारे आसपास ख़त्म हो सके। आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक, जैसे कि जो दर्शक हैं वो एक बार समझें कि प्लास्टिक का उपयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है इंसानी जीवन के लिए? देखिए, सबसे पहले ये बात शायद थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। मान सुनिए आराम से इस बात को, प्लास्टिक बुरा नहीं है, हमने उसका यूज़ गलत तरीके से कर दिया है। एंड प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक दो अलग चीज़ें हैं। हमें जो अभी फोकस करना है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे करना है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक पे करना है। हर तरह का प्लास्टिक बुरा नहीं है, अगर आज प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, आपका माइक नहीं होता, हमारी गाड़ियाँ नहीं होती, हमारे लैपटॉप नहीं होते, हमारे मोबाइल्स नहीं होते, हमारी बॉडी में लगने वाले कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, आप लोहा नहीं लगा सकते अपने अंदर, है ना? ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ यूज़ करना है उसको। जैसे आप लोहा खा नहीं सकते हैं, ऐसे आपको प्लास्टिक हर जगह यूज़ नहीं करना है, तो प्लास्टिक आप चलते रहने दीजिए, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होता है जिसको आपने एक बार यूज़ किया और उसके बाद वो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी। आप सोचे ना, आप चले जाएंगे, आपकी आगे की जनरेशन चली जाएगी, आपके बच्चे चले गए, आपके यहाँ तक कि पोता पोती इस दुनिया से चले जाएंगे, प्लास्टिक जो वो जनरेट करके गए वो नहीं जाएगा, वो इस धरती पर रहेगा। आप सोचिए कि हमारी धरती माँ इतना कूड़ा कहाँ तक संभालेंगी, वो परेशान हो जाएंगी और एक दिन वो आके तुमको फिर इतनी जोर का चांटा लगाएंगी जो कि लगाया ही है कोरोना के टाइम में, और अगर आज नहीं हम संभले तो इससे बड़ा चांटा पड़ेगा हम लोगों को। प्लास्टिक के एक उदाहरण ऐसे हम समझ सकते हैं कि दाल में पड़ा हुआ कंकड़ है, पूरी सिटी बच जाती है, दाल गल जाती है, लेकिन कंकड़ वैसे को वैसे ही रहता है। तो ये एक तरह का प्लास्टिक हमारे जीवन में ऐसा ही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमें सबसे पहले कम करना है, हमें अपनी टर्मिनोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। दूसरी बात एक और है प्लास्टिक को लेके, जब तक हम अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल पे चलाते रहेंगे, आप ये सोचें कि आप प्लास्टिक से मुक्ति पा सकते हैं? पा ही नहीं सकते, और पाना सही है भी नहीं। हम हर कोई आज गाड़ी में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल बनता है उसका जो उसका वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाएगा फिर? अभी तो उसको प्लास्टिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर कहाँ डाला जाएगा उसे? आप उसे डालेंगे ओशंस में, आप उनको डालेंगे पानी में और बर्बाद करेंगे हम बिल्कुल। सो थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। पहले तो गाड़ियों पे अपना डिपेंडेंस हम कम करनी पड़ेगी, जितना हो सके मेट्रोज और इनको यूज़ करें, उसके अलावा उसके बाद जो अब हमारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं या फिर सीएनजी कार्स आ रही हैं वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, सो दैट कि फॉसिल फ्यूल को हम थोड़ी डिपेंडेंस कम करें। ये कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो है जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हम लोग जितने लोग भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम लोग एक ही बात कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सब तरह के प्लास्टिक हमारा कोई राइट नहीं है उनको वो करने का, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को हम ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास उसका सोल्यूशन है, क्योंकि दूसरे प्लास्टिक का शायद नहीं होगा लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सोल्यूशन है हमारे पास।
लेकिन इसको खत्म करने की बातें तो हुई, सिंगल यूज प्लास्टिक को नारा भी दिया गया, ऐलान भी किया गया, मोदी जी ने भी ऐलान करा कि हम इसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं लागू हो पाता, इसके पीछे कुछ आपने समझने की कोशिश की या जानने की कोशिश? बिल्कुल समझने की कोशिश की। जमीनी स्तर पर देखिए, मैं इसमें सभी को ही दोषी मानती हूँ। लोग कहते हैं कि सरकार का दोष है, सरकार इसको एनफोर्स नहीं करती अच्छे से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, मैं हर एक से यही बोलती हूँ, आप ये कहते हैं कि मार्केट में तो मिल रहा है तो क्या करें, सरकारों को इस पे बैन लगा देना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ मार्केट में तो शराब भी मिलती है, मार्केट में तो कहीं ना कहीं आपको ड्रग्स भी मिलता है, क्या जाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि मार्केट में मिल रहा है तो खाएंगे? मार्केट में तो मैं तो आपको रोड पे गड्ढा दिखा देती हूँ तो क्या कहेंगे कि है गड्ढा तो कूदें हम इसमें? भेजेंगे अपने बच्चों को क्या आप? अगर आपके घर के आसपास कोई कोई शराब की दुकान है, आप उसे बोलते हैं उस तरफ से जाना नहीं, तो प्लास्टिक के पास आप क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मिल रहा है, इसलिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद इररिस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं आप खुद सिर्फ अपना कंफर्ट और अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं और कल नहीं देख रहे हैं। तो सरकारों का दोष उतना नहीं है जितना हम सबका है। सरकार हरेक का इंतज़ाम करेगी, जिसकी फैक्ट्री है वो उसका भी देखेगी, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सरकार ने शराब के ठेके भी खोले हुए हैं, सरकार ने कहीं ना कहीं जो जितनी क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए वो भी खोले हुए हैं, क्योंकि लेकिन उस केस में हम जानते हैं वो हमारे लिए खराब है, हम नहीं लेते। सिगरेट भी मिलती है तो क्या हम अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ सिगरेट तो मिलती है पियो, तो फिर प्लास्टिक क्यों? मैम एक सवाल और था, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको सहयोग अपनी फैमिली से या दोस्तों से अच्छा खासा मिल रहा है? या बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रही हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये मेरे अकेले के बस की नहीं थी। मैंने सिर्फ वो शुरुआत की, ये मैं मानती हूँ, वो सब लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया ये वो, हाँ वो मैंने शुरुआत की, शायद ऐसे टाइम में शुरुआत की जब किसी ने वो सोचा नहीं था, और मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मेरे पॉकेट से पैसा लग रहा है, हो सकता है ये ना भी चले, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर इतनी पूरी ज़िंदगी में मैं अपने देश के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने अर्थ के लिए अगर मैं इतना भी पैसा नहीं लगा सकती हूँ तो क्या ही है मेरी ज़िंदगी। हाँ, सिर्फ ये सोचते हुए ज़िंदगी दुनिया से चली जाऊँगी कि काश ये हो जाता, काश ये वो हो जाता, जो मोमेंट है वो तो आज है ना, आज भूख लगी है तो खाना तो अभी खाना है ना, तो आज मेरे दिमाग में अगर ये बात आई है तो आज ही तो करना है मुझे ये काम, तो सोचा नहीं पैसे के बारे में उस टाइम पे, खरीद लिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद सब कुछ सब लोगों ने किया। शुरुआत में आपने कितने बर्तन खरीदे थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुरुआत में मैंने सच में सिर्फ 100 ग्लास खरीदे और 100 थाली खरीदी। 100 ग्लास इसलिए खरीदे कि निर्जला एकादशी का टाइम था जब मैंने शुरुआत की, 22 जून को तो निर्जला एकादशी थी, तो मुझे लगा कि अगर ये वाला टाइम निकल गया ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ दिन से दिमाग में चल रहा था, लेकिन आप एकदम से नहीं कर पाते क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी जॉब भी है, तो मुझे ये भी था कि मैं कर तो दूँ, लोगों तक बात भी पहुँचा दूँ, लेकिन जॉब के साथ टाइम नहीं दे पाई तो क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब निर्जला एकादशी आई तो मुझे लगा नहीं यार, अरे 100 ग्लास ही तो लगेंगे, ये तो मौका नहीं जाने देना चाहिए, तो मैंने 100 ग्लास खरीद लिए और हमने 3 ग्रुप्स में बांट दिए, 30-30 ग्लास सबको दे दिया, और हमने कहा इसी को धो के आप लोग यूज़ करते रहें। और जब हमने शाम को लोगों से पूछा कि कितने कम से कम ग्लास बचा पाए, तो आप मानेंगे नहीं, हम लोग कम से कम 6-7 हज़ार ग्लास बचा पाए थे एक ही दिन में, 6-7 हज़ार ग्लासेस। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि अरे 30 ग्लास एक इंसान ने, 30 ग्लास को धो धो के यूज़ कर करके हमने इतना प्लास्टिक बचा लिया, ये तो मतलब बहुत बड़ी अपने आप में वो थी। और एक ग्रुप जो लेके गया था, क्योंकि जून का टाइम था, गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने बोला मैम ना हम इस वीक और पानी पिलाएंगे अभी, हमने कहा ठीक है रखो आप। फिर हमने, उन्होंने जब मुझे बाद में बर्तन वापस दिए, तब जब हमने फाइनल कलेक्शन इसका वो किया, एस्टिमेट किया, तो 10 हज़ार ग्लासेस हो चुके थे। तो ये लगा कि अरे 30-30 ग्लासेस से इतने ग्लास बचा पा रहे हैं हम लोग। फिर मैंने 100 थाली ले ली, क्योंकि मेरे एक पड़ोस में कोई थे, वो रोज़ भंडारा करते थे डेली, और डेली वो फेसबुक लाइव करते थे, और फेसबुक लाइव पे मैं देखती थी उनकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और मैं, लोग लिखते थे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, मेरे दिल को कुछ होता था कि ये रोज़ में इतना प्लास्टिक निकाल रहे हैं और लोग इनको कह रहे हैं कि पुण्य का काम हो रहा है। फिर मैंने उनको 100 थाली लेके उनको रिक्वेस्ट किया कि आप
प्लीज़ ये तो 100 थाली मेरी तरफ से रख लीजिए, लेकिन आप एक बार इसमें खाना खिलाइए, थोड़ा सा हिचकिचाए कि कौन धोएगा। मैंने बोला जो खाना खाता है ना वो आपके आसपास के तो लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कि आपकी साइट पे काम करते हैं, तो क्या होगा अगर अपनी थाली धो देंगे वो, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप उनसे थाली धुलवा दीजिए, रोज़ का फ्री का खाना तो नहीं खिलाना चाहिए। तो मैंने बोला थोड़ा उनका एक होता है ना कि आप डिग्निटी से खाना खाते हैं, वो धोएंगे कुछ उसमें उनका भी लगेगा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, धोने के लिए किसी को रख भी सकते हैं, जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो आप उतना भी कर सकते हैं। कहने की बात थी कि जो खाता है वो धो लेगा अपनी थाली, तो उन्हें लगा ठीक है। और बाय चांस ऐसा हुआ कि उस दिन उनके कुछ दोस्त आ गए खाना खिलाने सर्व करने, और वो उन्होंने उनकी इतनी तारीफ़ की कि अरे आपने तो पुराना ज़माना वापस ले आए, दादी नानी के टाइम में हम स्टील के बर्तनों में खाते थे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। शाम को जब उनका फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाते हुए थोड़ा सा डर रही थी कि कहेंगे कि ले जाओ वापस हमने बर्तन, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाते ही मुझे कहा मैडम आज तो आपने मेरे तो मतलब भंडारे को 4 चांद लगा दिए करके। एनीवे जो भी बातें हुई वो एक और पॉजिटिव रिस्पांस था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बर्तन खरीद लिए, 200 थाली अपनी खरीदी, मेरी वापस कर दी। इतने में वर्ड फैल चुका था सब जगह। फिर तो उसके बाद तो हर बार नया बुकिंग आती और हर बार मैं और बर्तन लेने जाती। कोई बढ़िया एक्सपीरियंस इस दौरान आपको सामने आया होगा? ये पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत बढ़िया यार, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, और इससे बढ़िया क्या बताऊँ। जब लोग आपको ये कहते हैं कि भी सबसे अच्छी फीलिंग ये थी कि कोई कूड़ा नहीं हुआ, है ना, सबसे अच्छी फीलिंग ये थी कि आप जब आपको लगा कि सचमुच भगवान यहाँ पे उतरे हुए हैं स्टील के बर्तनों में खाना खिला के, जब लोग आपको ये बताते हैं कि पंडित जी आए तो उन्होंने इतनी तारीफ की कि ये भंडारा होता है असल में, इससे ज़्यादा आप और क्या अच्छी फीलिंग चाहेंगे, है ना। बाकी ठीक है, इंटरव्यूज़ होना, मीडिया से वो मिलना, आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो एक अलग बात होती है, उस वो भी अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि इतना प्लास्टिक आपने लैंडफिल्स में जाने से रोक लिया, है ना, जब लोगों का आप एफर्ट्स देखते हैं कि कैसे लोग आपके आपकी पोस्ट को शेयर करते हैं आगे आगे और मेरा नाम बताते हैं कि आप प्लीज़ बर्तन वहाँ से ले लेना, यहाँ तक कि जो लोग भंडारा होते हुए भी देखते थे तो रोक के गाड़ी और फिर बताते थे ये लो नंबर, नेक्स्ट टाइम उनसे लेना, इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है, इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है जब आपको लगता है कि हर इंसान जाग रहा है, है ना। जब आपको बच्चे आपको अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ये पूछते हैं कि मैम हमें आपकी स्टोरी करनी है, मैम हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, मैम हम आपके साथ बर्तन धोने आएंगे, इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है। और हमने किया भी है, हमने 2 अक्टूबर को पिछले साल में हमने एक भंडारा किया जिसमें कि हमने लोगों को बोला कि जैसे ये कई लोगों का ये आता था कि धोएगा कौन, जैसे हमने बताया कि धोएगा कौन, कि धोने वाले नहीं मिलते हैं, तो मेरा मानना तो ये कि बर्तन धोने का काम हम भी कर सकते हैं, हम अपने घरों में भी करते हैं, तो भंडारे के धोएंगे तो क्या बुरा है, ये भी तो सेवा होती है। मैं तो गुरुद्वारे से बिलोंग करती हूँ, हमें तो बर्तन धोने की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो हमने बोला कि ठीक है हम ऐसा भंडारा करेंगे जिसमें हम सिर्फ पैसे की सेवा नहीं मांगेंगे, हम आपके बर्तन धोने की सेवा भी मांगेंगे। कि हमने लिखा कि हमें चाहिए सेवादार चाहिए, जो लोग पैसे से सेवा करना चाहते हैं वो पैसे का दान दे सकते हैं, मतलब खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जो लोग बर्तन धोने की सेवा करना चाहते हैं वो उसके लिए आ सकते हैं। आप मानेंगे नहीं हमारे पास बच्चों का कितना रिस्पॉन्स आया, और हमने लिटरली रोड साइड पे भंडारा किया, रोड साइड पे टेबल लगाए, वहीं हमने पानी रखा, हमारे बच्चों ने लेडीज़ ने मिलके बर्तन धोए। मेरे पास वीडियो है, आप NDTV के उस पे जाके YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं वो पूरी वीडियो, कि जहाँ हमने रोड साइड पे वो काम किया और प्रॉपरली बच्चों ने हमारे साथ बर्तन धुलवाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि ये कदम बढ़ाने की पीछे लोग बहुत हैं जो आपके सपोर्ट करेंगे, बट हिचकिचाहट लोगों में कहीं ना कहीं ये रह जाती कि हम कैसे करें, पहल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप पहल करते हैं तो आपको लोग बे इंतहा सपोर्ट करते हैं। सीरियसली मेरी नज़र में मैं एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं बता सकती जिससे कि मुझे लगा हो कि नहीं ये बड़ा नेगेटिव बात थी, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, इतना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने काम ही ऐसा किया है मैम कि शाम को जब आपके पास बर्तन वापस आते होंगे, आप ये पूछते होंगे कितने लोगों ने खाना खाया होगा लगभग, तो पता चलता होगा कि इतने प्लास्टिक हमने बचा लिया एक दिन में, तो ये अपने आप में बहुत हाँ मैं ये फील वही समझ सकते हैं जो प्लास्टिक के नुकसान को समझ, ये सच बात कह रहे हैं आप, ये उस बात की फीलिंग वही लोग समझ सकते हैं, और जब उन्हें लगता है इतना आसान से तरीके से हमने वो कूड़ा बचा लिया,
जो घूम फिर के हम तक ही आएगा। सबसे बड़ी बात ये, आप अगर कोई ये सोचते हैं कि कूड़ा तो लैंडफिल में गया, ये मत समझिए। भगवान ने अर्थ ऐसे गोल नहीं बनाई है, उसने धरती गोल इसलिए बनाई है कि आपके कर्मा घूम के आप तक आएंगे। ये उसका इंडिकेशन है अर्थ को गोल बनाने का, कि आप जो भेजेंगे यूनिवर्स में वो यूं गोल घूम के आप तक आएगा। तो अगर कोई ये सोचता है कि हमने जो भेजा है लैंडफिल में हमारे तक वापस नहीं आएगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। हवा सबकी ख़राब होगी, पानी सबका ख़राब होगा, मिट्टी सबकी ख़राब होगी। एक चीज़ मैम, एक जनरल सा सवाल था मेरा। मैं अक्सर जहाँ जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड इंटरव्यूज़ के लिए जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आजकल चुनावी मुद्दा सब बन जाते हैं, इलेक्शन में हर मुद्दा बनता है, लेकिन पर्यावरण को मुद्दा नहीं बनाया जाता किसी भी इलेक्शन में। मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं भी कि कोई पार्टी या कोई नेता ये कह रहा हो कि हम आ जाएंगे चुनाव जीत कर तो हम पर्यावरण को बचाने के लिए ये करेंगे, जबकि सबसे बड़ा जो खतरा मुंबाकर हमारी तरफ खड़ा है वो पर्यावरण ही है, प्रदूषण ही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो भूख है ना। सबसे पहला है पेट भरना, पेट भर जाए उसके बाद इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता। मैं सच बताऊँ, ये पर्यावरण जैसी चीज़ शायद उन लोगों के लिए है जो पढ़ लिख गए हैं, जिनका रोटी का इंतज़ाम हो चुका है ना, वो पढ़ लिख गए हैं और उनको समझ में आता है कि पर्यावरण भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उससे जो नीचे के लोग हैं वो शायद अभी उस अवेयरनेस लेवल पर नहीं है। और ये भी थोड़ी सी हमारे देश की मजबूरी है कि हमारे पॉलिटिक्स में शायद कुछ ऐसे इश्यूज़ को मुद्दा बनाया जाता है जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, है ना। लेकिन क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो उन्हीं मुद्दों को समझता है, उन्हीं की भाषा बोलने के लिए लीडर्स भी वही भाषा बोलते हैं। एक आम आदमी आप निकल जाएं, हमारे सिटी से थोड़े दूर चले जाएं, उसको शायद पर्यावरण का नहीं समझ में आता, उसको यही समझ में आता है कि मेरे भूख का इंतज़ाम कैसे होगा, है ना। उसको धर्म समझ में आता है क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है। तो उनको जो भाषा समझ में आती है, हमारे लीडर्स उनको उन्हीं भाषा में बात करते हैं। तो ये हमें कहीं ना, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मीडिया का काम है उनको अब अवेयरनेस के अगले लेवल पर लेके जाना कि आप खाने का इंतज़ाम भी करना चाहते हैं, सही है, लेकिन पर्यावरण ही नहीं होगा तो पेट भी कहाँ से भरेंगे। आप चाहते हैं कि हमारे घर में खाने के लिए टेबल पे हमारे खाना हो, लेकिन पर्यावरण नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो भी कहाँ से आएगा। तो लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। आपने कहा जागरूक होने की, अभी कुछ दिन पहले ही, अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, नहीं तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की प्रदूषण की हालात आपने देखे, यहाँ की सरकार ने किसानों के ऊपर मत्था टेक देते कि उन्होंने पराली फूंका इसलिए हाल हुआ। अब तो पराली भी नहीं जल रही फिर भी प्रदूषण नहीं ख़त्म हो रहा, ये एक दूसरे के ऊपर थोपने का चल रहा है। जो हवा का प्रदूषण यहाँ पर फैला हुआ है, इसके बारे में आपने कुछ समझा? देखो, पराली जो चीज़ होती है ना, वो असल में आपको तंग तब करती है जब आपका टेम्परेचर आ जाता है 18-19 के उस पर, क्योंकि हवा में मॉइस्चर बहुत आ जाता है, तो जो आपका धुआं वो एस्केप नहीं हो पाता, उस टाइम पे स्पाइक आ जाता है हमारा, 800-900 क्रॉस कर जाता है। तो हर एक के चेहरे पे, हर एक मीडिया सब कुछ इसी बारे में बात करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल भी देखें तो हमारे देश में जो WHO ने हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो 100 का सेट किया है इंडिया के लिए, बाकी जगह 40 का है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ 100 का किया है। कोरोना टाइम को छोड़ के हमने आज तक शायद साल में 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जो 100 तक पहुँचे हों। हमेशा 150, 200, 250 पे जीते हैं हम लोग। उसके रीज़न क्या हैं? सबसे मेजर रीज़न जो इसको AQI को आगे लेके जाता है वो है धुआं और धूल। आप ये देखें हमारे देश में धूल को लेके लोगों में कितनी जागरूकता है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुला रहता है, जितने भी रोड साइड्स हैं, आपने देखा है कि रोड साइड पे पेड़ लगे हों, ग्रीनरी हो? नहीं है, सारी मिट्टी है, धूल उड़ रही है। धुएं का भी हमारे यहाँ वही है कि लोगों को बायो मास जलाने की आदत है खाना बनाने के लिए, है ना। और बाकी गाड़ियों का पोल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, वो भी है। लेकिन हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आज आप एक जॉब करने वाले को बोलें कि भाई आप तो पब्लिक कन्वेंस से जाएं, उसको 9 बजे जाके अपनी वहाँ पे बायोमेट्रिक में 9 बजे पंच करना है, वो कितने बजे घर से निकलेगा? 2 दिन जाएगा, 3रे दिन गाड़ी उठाएगा और चलेगा, क्योंकि उसकी तो छुट्टी कट रही है वहाँ। तो बात वही है कि हम सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि वो सरकार से क्या डिमांड करें।
देखिए एक बात ये कही जाती है, अ सिटी गेट्स व्हाट इट डिजर्व्स एंड अ सिटी डिजर्व्स व्हाट इट डिमांड्स। सो बात यही है कि आप जो डिमांड करेंगे वही आपको मिलेगा, तो डिमांड हमें चेंज करनी पड़ेंगी, यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि किसी के धर्म को छोटा कहना चाहिए या धर्म अपने आप में कोई छोटी चीज़ होती है, लेकिन धर्म दिखाने की चीज़ तो बिल्कुल नहीं होती है, धर्म जीने की चीज़ होती है। ये मंदिर खड़ा हुआ आपका कोई धर्म नहीं है, मंदिर आपके अंदर है ये धर्म है। और अगर आप मंदिर की टीचिंग्स को ही फॉलो नहीं करते हैं, आप ये बताइए शांति पाठ इतने लोग पढ़ते हैं, शांति पाठ का मीनिंग कोई जानता है? उसके लिए शांति पाठ सिर्फ बोलने का है, बाहर जाके अशांति फैला देगा। शांति पाठ पूरा का पूरा पर्यावरण को समर्पित है, पूरा का पूरा। उसमें यही आपको मैसेज दिया गया है, शांति पाठ में आपको ये बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है जो कि हो रही है। उसने बताया शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोशद्या, पृथ्वी पे शांति रखो नहीं तो ये गर्म हो जाएगी, ये बताने की कोशिश की गई। लेकिन हम शांति पाठ को समझते ही नहीं है, क्यों क्यों बताने की, क्यों कहा गया शांति रापा शांति रोशद्या सब वनस्पतियों में शांति हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पर्यावरण ठंडा रहे आपका, आप उसकी रक्षा करें। हर भाषा में कहा गया है, मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, गुरुद्वारे में जो जपजी साहब का पाठ है उसमें ये बोला जाता है, पवन पिता पानी गुरु माता धरती महत, कि जो आपका जो पानी है वो आपका पिता है, जो हवा है वो आपका गुरु है, और जो ये धरती है ये माँ है, इन तीनों की रक्षा करनी है आपने। तो तीनों चीज़ें कवर की ना उन्होंने, पर्यावरण पूरा का पूरा कवर किया। एंड आई एम ग्लैड कि जो भी गुरुद्वारे को मानते हैं या जो सिखी धर्म को मानते हैं वो पर्यावरण की में रक्षा करने में फिर भी अपना योगदान बहुत देते हैं। लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या देना चाहेंगी, और आप जो ग्रोसरी बैंक चला रही हैं उसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी, जुड़ने के लिए या अपने अपने स्तर पर शुरुआत करने के लिए, और मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? मैसेज तो सिर्फ एक ही है कि सुनने में ये बात लगती होगी कि एक डायलॉग है एक स्टेटमेंट है कि अगर आप सच में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो शुरुआत तो आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल सच है, ये सच ही है। अगर आप हम सब एक एक करके बदल जाएंगे तो ही तो बदलाव हो जाएगा, है ना। ये हम सोचें कि इस पृथ्वी की जिम्मेदारी किसी और की बनती है, ये सबसे बड़ी गलती है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल 51AG कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स पता है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई नहीं जानता है। अगर चाहें तो सब पे केस हो सकता है, मैं सच बता रही हूँ, अगर सरकार चाहे तो हम सब पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी ना करने का केस हो सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी आर्टिकल 51AG कहता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, टू टेक केयर ऑफ द वाटर बॉडी एंड टू टेक केयर ऑफ द लिविंग बींग्स अराउंड देम। हर चीज़ की टेक केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, हम में से कौन अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तो आगे से आप में से जब भी कोई किसी सरकार को दोष देने जाए, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चालान और आप पेनल्टी और आप उस पनिशमेंट के हकदार हैं जो कि लगनी चाहिए आपको। दर्शकों के लिए कोई संदेश? यही, सिर्फ यही संदेश कि आप अपनी ड्यूटी समझें, एक सिटीज़न होने की ड्यूटी, एक ह्यूमन बीइंग होने की ड्यूटी, एक पेरेंट होने की ड्यूटी, और इस ज़मीन पे आप एक गेस्ट की तरह आए हैं। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप अपना काम सही से करें और एक गेस्ट की तरह रहें और चले जाएं, इस जो होस्ट है उसको तंग ना करें। तो आपने समीरा जी से बातें सुनी, इतनी सारी बातें हमारी हुई, पूरी डिटेल आपने सुनी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और खास मेहमान के साथ। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट, सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।